पृथ्वी के फसल की कटनी। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हँसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हँसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुँचा, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी उत्तम हँसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास उत्तम हँसुआ था उससे ऊँचे शब्द से कहा, अपना उत्तम हँसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया।